Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. मंडी से बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की बातों का कोई मतलब नहीं होता, वो बिना सेंस की बातें करते हैं। कंगना ने आज सदन की कार्यवाही में जाने से पहले राहुल गांधी के बारे में कहा कि मैं क्या कहूं, उनकी बातों का कोई भी मतलब नहीं है। कम से कम मुझे तो समझ नहीं आता कि वो क्या कहते हैं। उनके बारे में मैं एक बात निंदनीय कहती हूं कि वो देश के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं, देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाय करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना, देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं, आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं ये बहुत निंदाजनक है और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी।